हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त वर्षा। सो मैं अब जा रही हूँ लग्जमबर्ग, एंड मैंने ना बहुत टाइम पहले, मतलब अभी नहीं लिया, इसको लिए हुए 3 से 4 महीने हो गए, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो गए। मैंने हैंड किट ली है। सो मैंने अमेजोन से ली थी ये, एंड मैं सबसे सस्ती वाली ली थी, बिकॉज मैंने देखा है लोग महंगी वाली ले लेते हैं, एंड देन अपने जब बच्चे का वो हैंड प्रिंट, मतलब वो करने की कोशिश करते हैं तो ढंग से नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ना पहले कम वाली लूँगी, तो 700 रुपये की मिली थी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी अगर मुझे वो वाला मिल गया तो, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, सो आई डोंट नो। बट जब मैंने लिया था 700 का था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। आई मीन इतना बिजी मैं बच्चे के साथ थी, मैं पहले जॉब भी कर रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये करने का। बट आज मैं फाइनली जा रही हूँ कल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये कर दूँ, एंड ये गिफ्ट होगा मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें नविका की बहुत याद आएगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने मायके में रही हूँ कंपेयर टू माई इन लॉज। सो अगर ये एक्सपेरिमेंट मेरा मतलब हिट हो गया, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तो मैं फिर सब ले करके जाऊंगी, सबको देकर जाऊंगी। चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड मेरे को पेंट ब्रश मिला है पेंट करने के लिए, जो इम्प्रेशन बन जाएगा वो। एंड देन ये है मिक्स करने के लिए, लकड़ी दे रखी मिक्स करने के लिए। ये कप दे रखा है, ये कप में शायद मतलब पेंट कर, मतलब जो होगा पेंट रखेंगे उसमें, आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है, वो बाद में पता चलेगा। एंड दिस इज दी पेंट गोल्डन कलर का, एंड क्या क्या है इसमें इसके अंदर, और तो मुझे तो पेंट ही है बाकी। आई थिंक ये स्टेप्स बता रखे हैं इसमें कि कैसे करना है, क्या 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 कैसे होगा। देन दिस इज दिकेट, इसमें जो भी होता है सीमेंट वेमेंट, जो इसका सीमेंट होता है जो, एंड एक ऐसी स्टिक मिली है। सो दिस इज द थिंग, उन्होंने बता रखा है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो चलिए देखते कैसा बनता है, मतलब आई डोंट नो कैसा होगा। Okay, वो जो छोटा सा था उसमें प्रैक्टिस किट थी। हाँ बाबू, हाँ ये ले लो, हाँ हाँ। तो प्रैक्टिस किट थी, तो ये कास्टिंग स्टोन का है जो, एंड ये जो है ये मोल्डिंग पाउडर है, तो इट्स अ प्रैक्टिस किट, तो प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप इसे गलती ना हो। नाइस, बट मैं ये नहीं करूँगी यूज़, बिकॉज मैं सीधा डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करूँगी, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। चलिए, सो पहले हमें तो इसमें मोल्डिंग पाउडर है फर्स्ट हमारा, तो इसका ये रेशो है कि अगर हम 1 कप पाउडर डालेंगे तो 2 कप पानी। तो ये जो ग्लास मिला है ना, मैं इसी से ही मेजर कर लूँगी। तो मैं ऐसे मेजरमेंट करूँगी कि अगर मैं पाउडर डाल रही हूँ 3 कप, तो 6 कप मैं पानी डालूँगी। सो मैं तो ये मेरा 1 कप ये हो गया। मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी लेकिन वो हुआ नहीं। एनीवेज, सो ये मेरा 1। ऐसे करके मैं ये करती हूँ। सो मैंने ये 10 कप डाल दिया है होल्डिंग पाउडर, एंड मैं अब 10 कप इसमें, 20 कप इसमें पानी डालूंगी। मैं इसी से मेजर कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे ऐसे भी लग रहा है ये नहीं आ जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. So 20 हो गया. So इसको मिक्स करते रहना है. मुझे ऐसे लग रहा है ये फ्लॉप होगा. I don't know. चीज़ें बहुत क्विक क्विक होनी चाहिए. इसमें लिखा है लम्स में पड़ने चाहिए, बट मेरे वाले में तो काफ़ी लम्स दिख रहे हैं मेरे को. स्मेल बहुत डिलीशियस है. जब आप बुला लीजिए जब. इसमें लम्स मेरे में काफी पड़े हुए हैं. आई डोंट नो, मैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ बट देखो मेरे में ना लम्स पड़े हुए हैं. देखो बिल्कुल स्मूथ नहीं है. यार से रहा तो मैं शेक नहीं कर पाऊंगी. सो आओ नविका कहते ना, उसमें लिखा था कि हाथ में थोड़ा ऑयल लगा देना. मैंने नविका के हाथ में थोड़ा ऑयल लगा दिया. तो कहता सो अब इसका हाथ इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए ताकि आप ताकि आपको अच्छे से दिख जाए. ओके सो डालो नवो हाथ डालो हाथ डालो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख 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 क्या हो रहा है. ओह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बस हो गया हो गया हो गया. देखो 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 क्या हो रहा है. बस बस बाबू 2 मिनट बस हो गया. मम्मा पापा मम्मा बाबू बस 2 मिनट और 2 मिनट और बस 2 मिनट बस बस हो गया हो गया हो गया. छोटे में करना चाहिए था. हाँ 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 बाबू इतनी मेहनत की है बस इतनी मेहनत की है. 2 मिनट रुक जा. आई थिंक हो रहा है हो रहा है हो रहा है. 2 मिनट और रुक गया बाबू प्लीज इतनी मेहनत से किया है. अच्छा जो ऐसा नहीं आराम से आराम से आराम से आराम से. ये देखो ये क्या हुआ. सो नाउ सेकंड स्टेप है हमारा जो कास्टिंग स्टोन है. तो उसमें क्या करना है हमें पानी लेना है एंड पानी में हमें ये मिलाना है तब. तो इसमें ये लिखा है कि जो ये कास्टिंग स्टोन का जो है इसमें नॉर्मल वाटर है एंड हमें बहुत थिक बनाना है डोसा बैटर की तरह. तो डोसा बैटर मुझे पता ही कैसा होता है तो मैं उस अंदाजे से बना रही हूँ.
बहुत ज्यादा मैस्ड अप हो गया ये। हाँ बाबू, हाँ 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 दिख रहा है ना, बना रही हूँ, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। कहीं से फटा है क्या ये? फिर मैंने पानी ज़्यादा ले लिया, पता नहीं मैं क्या ही करने वाली हूँ। मैंने ना उल्टा कर दिया, पहले तेल डालना था, धीरे धीरे करके पानी डालना चाहिए था, बट कोई ना, मेरे पास इसका टेस्टिंग वाला भी है तो हो जाना चाहिए। गड़बड़ हो गई, ऑब्वियसली बात है, मैं काम कर रही हूँ तो गड़बड़ होनी है। इसका प्रैक्टिस पाउडर है मेरी आखिरी होप। आई डोंट नो ये हो पाएगा, मेरे से गलती हो गई। एनीवेज मैं ये मैंने गलत बन गया, ये होगा तो नहीं बट मैं फिर भी डाल रही हूँ। गलती हो गई मेरे से, तो मैंने डाल दिया है, लेट्स सी क्या होता है। सो ये टोटल फेल है, मैंने पहले ही बता दिया था, बिकॉज ये इसमें ना पानी, आप देख रहे हो मैंने ये गलती कर दी, मैंने जो मोल्डिंग वाला था पाउडर था ना, तो मुझे पहले पाउडर डालना था, धीरे धीरे करके पानी डालना चाहिए था, बट मैंने पानी ले लिया क्योंकि कास्टिंग वाला जो था वो ज़्यादा पाउडर था, तो मुझे लगा ये भी ज़्यादा ही होगा, बट ओके सो मेरे से सीख लेना है, पहले पाउडर डालना है तब पानी डालना है। मैंने पहले वाले में तो अक्लमंदी की, लेकिन मैंने सेकंड टाइम पता नहीं क्यों नहीं किया। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के मुझे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जो मैंने पाउडर बनाया था तो नविका ने पाउडर खींच लिया था एंड वो गिर गया था, एंड मैंने वो उठाया, साफ़ किया, फिर मैंने डिनर किया, फिर मैंने बनाया, सो सब चीज़ें इतनी हौच-पौच हो गई हैं। एंड मैं अकेले करी थी तो फिर ऑब्वियसली होना था, देयर वाज़ नो वन हेल्पिंग मी, सो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम मैं हेल्प लूँगी दो तीन लोगों से। एंड दिस वाज अ टोटल फ्लॉप, मतलब ये वीडियो मेरी सिर्फ एक फ्लॉप, कोई ना मेरे से सीख लो, ये हरकत नहीं करनी है। मैं ये दोबारा ट्राई करूँगी, यस करूँगी, बिकॉज एक हैंड इम्प्रेशन होना चाहिए, इट्स वेरी क्यूट एंड ऑल दैट, सो आई विल डेफिनेटली डू इट अगेन बट नॉट नाउ। मैं बाहर एक बार ट्राई करूँगी अगर मुझे हम बाहर मिलता है ये तो। एनीवेज दिस इज इट फॉर माय टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड ये मेरा लाइक लास्ट मेमोरी थी जो मैं चाहती थी हो, अच्छे से हो, बट नहीं हो पाया, कोई ना, बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय।